हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें, ये रबर जो है ना, ये घिस गई है, घिसी हुई है ये रबर, जिसके वजह से ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा। इसको बहुत ज़ोर से दबाने के बावजूद भी जो है ना, ये रबर जो है ना, ये काम नहीं कर रहा है। तो आप अगर आपके घर कहीं मैकेनिक से करीब है घर तो, या दूर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको रबर लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, और थोड़ा अगर समझ में नहीं आए तो मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अच्छे अंदाज़े बताऊँगा कि ये आपको समझ में आ जाए और आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ें नहीं खोलना पड़े, और इसके बावजूद भी आप लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। आपके घर में कोई नो क्लास है, ठीक है ना, अगर ये हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने इसको इस तरह लिया और इस तरह आसानी होगी। और आपके घर में अगर बारीक कोई पेचकस है या कोई भी पेचकस है, आप इसको इस तरह भी आप इसको निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसको आप इसको अब देखते पहुँचे, ये घिसी भी है बिल्कुल, और आपने ये रबर किसी अच्छी कंपनी का आप मैकेनिक को बोल के ले सकते हैं, ये ले सकती हैं। ये थोड़ा सा कोई टाइट होता है, ये अच्छी वाली है, थोड़ा लगाने में थोड़ा सा हो सकता है दुश्वारी हो, लेकिन आप इस तरह मेरी वीडियो को आप देखकर फॉलो करेंगे या करेंगी तो ये आसानी से लग सकता है। किसी भी साइड पे पहले इसको नीचे की जानिब लगा लें सबसे पहले, ठीक है। इसको नीचे की जानिब लगा लिया, अब आप इसको पकड़ के रखें, इसको ये पेचकस ले लें इस तरह, और लेने के बाद इसको इसको दबा करके इसको ऊपर के जाने की तरह रखें, और इस तरह इसको यहाँ से पुश करें। ये देखें, ये हो गया, लग गया कम्प्लीट। अब आप देख सकती हैं ये रबर आसानी से घूम रहा है, ये फिरकी वर्ड। जब आपको यूज़ करना होता है, अगर ये आप फिरकी वर्ड है आपने मशीन में लगी हुई और ये टूटा हुआ नहीं है और ये सही अगर चल रहा है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे इस जगह पे जहाँ पे इसका रबर चलता है, ये फिरकी चल रही होती है, ये यहाँ पे इसको आपको ऑयलिंग का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे ऑयलिंग लग गया तो ये रबर उस वजह से भी काम नहीं करेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को चेंज करें। फिर यहाँ पर किसी भी रहना कपड़े को इस तरह ले करके आप इसको घुमा दें, इस तरह ये ऑयल निकल जाएगा। अगर यहाँ ऑयल ज़्यादा है तो यहाँ कर लें, आप देख सकते हैं इसको बगैर पुश किए हुए ही चल रही है, ठीक है ना। अगर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो आपने इसको ऊपर कर दिया, और ये देखें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर कर लें कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।